हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल नॉन जीडी जिसमें ड्राइवर, ट्रेड्समैन, आया, वेटनरी ये सब शामिल है, 2020 की भर्ती है। और अभी मेडिकल आप लोगों के आने वाले हैं, यानी कभी भी मेडिकल के लिए अपडेट आ सकता है। लिस्ट आएगा 1:3, यानी एक वैकेंसी के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा। लेकिन कुछ वैकेंसीज या कुछ पोस्ट के लिए कहें या कुछ कैटेगरीज में कहें 3 गुना कैंडिडेट नहीं पूरा होगा, तो वहां पर जितने होंगे उतने उनको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। 3 गुना या जितना अवेलेबल है कट ऑफ के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो भी कम हो। तो यहां पर मेडिकल का देखिए, हमारे ड्राइवर वाले जो कैंडिडेट हैं उनके यदि हम बात करें तो उनका एक ज्यादा पॉइंट जो निकल कर सामने आ रहा है ड्राइवर वाले कैंडिडेट्स का आ रहा है। बाकी दूसरों का भी है, फीमेल कैंडिडेट को भी ये प्रॉब्लम थोड़ा है। क्या वेट, अब काफी मैसेजेस आते हैं, मेरा 174 हाइट है तो मेरा वेट कितना होना चाहिए, मेरा 167 हाइट है मेरा वेट कितना होना चाहिए, मेरा 157 हाइट है मेरा वेट कितना होना चाहिए। अब इसके देखिए क्या है कि हाइट अकेला, हाइट जो है उससे वेट नहीं होता, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स ये कब काउंट होता है, बॉडी मास इंडेक्स उस स्थिति में काउंट होता है जब आप ओवरवेट या अंडरवेट हो जाते हैं। तब यदि आपका वेट चार्ट के अकॉर्डिंग है, जो मेडिकल गाइडलाइन में चार्ट दिया गया है, तो वो उसमें कितना है वेट और किसके अकॉर्डिंग वेट होता है। देखिए एज इन ईयर्स, आपकी एज ईयर्स में कितनी है। अब कोई ये कहता है कि मेरी 18 साल है, 18 तो नहीं होगी एसएसबी वाले में, तो नहीं होगी क्योंकि 18 जब फॉर्म फिल किया था उस समय 18 थी, तो 18 और 3 कितना हो गया, 21 हो गया, अभी की एज से काउंट होगा। कुछ साथियों को ये भी डाउट है कि वेट जब मैंने फॉर्म फिल किया था उससे काउंट होगा या अब की डेट से काउंट होगा। अब जिस दिन आपका मेडिकल होता है उस दिन आपका एज कितना है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो अभी आपकी 21 हो गई है, 21 हो गई है, 170 यदि हाइट है तो आपका 52 से 64 के बीच में होना चाहिए। 10% प्लस माइनस क्या होता है, क्या 10% प्लस माइनस नहीं, इसमें 5 kg प्लस माइनस एसएससी जीडी में किया गया, उससे पहले तो हमने नहीं देखा था, तो चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन एसएससी जीडी में कैसे निर्देश थे, बिना मेडिकल गाइडलाइन की कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा नोटिस नहीं देखने को मिला, लेकिन कैंडिडेट्स को 52 से 64 है, उसमें 64, किसी का यदि 68 है तो उसको भी फिट कर दिया गया, लेकिन यदि किसी का 70 था तो 70 के लिए ये लिखा गया कि अनफिट ड्यू टू ओवर वेट, वेट कितना है कि वेट है 70 और अलाउ कितना है, अलाउ है 64 प्लस 5 69, 400 ग्राम ज्यादा था उसमें भी भार हो गया। ये आपके जो कैंडिडेट एसएससी जीडी में भर्ती हुए हैं उनको पता है। तो वेट देखिए आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपना कर लेना है, क्योंकि इसमें कहीं आपको किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना किसी हमारी तरह किसी सेंटर पर आने की जरूरत है। ये तो आपको यदि पता है कि मेरा वेट 52 से 64 होना चाहिए तो मैं इसको 64 कर लूंगा। भाई यदि 80 किलो वजन है और 5 दिन बाद मेडिकल आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अनफिट होना तय है, कि कुछ चल नहीं सकता क्या, चल सकता है ना, बता दिया आपको कि 5, और वो भी एसएससी जीडी वालों ने चलाया। अब ये चलाते हैं या नहीं चलाते हैं उसके बारे में, मेडिकल अफसर के पास ये चार्ट है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट उनकी मशीन में आता है, वो आपको फिट कर लेते हैं, इससे ऊपर आता है पॉइंट बना देते हैं, वो पॉइंट बना के आपको प्री मेडिकल कि आरएमए कितने दिन का मिलेगा, आरएमए वेट में कितने दिन का मिलेगा। आरएमए तो चाहे वेट हो, चाहे हाइड्रोसिल हो, चाहे होमोरॉइड हो, चाहे आपकी विजन कम हो या आपका कलर विजन हो, कुछ भी हो, चाहे टैटू हो, आपको 1 दिन का ही मिलेगा। अब बहनों का जो है उनका कितना होना चाहिए, उनका 157 हाइट पर लिया गया था तो 157 इसमें नहीं है, इसमें 158 से उनका कैलकुलेट किया जाएगा कि 23 साल 5 महीना हो गया है तो 42 से 51 किलो वजन होना चाहिए, 51 से ऊपर आपका है तो आप वो पॉइंट बना दिया जाएगा। कैसा पॉइंट बनाया जाएगा वो आपको दिखा देते हैं कि कुछ हमारे साथियों ने क्या है कि वो फला जो है वो फौजी साहब वो कह रहे थे कि अकेला वेट में अनफिट नहीं करता, वो फौजी साहब ने क्यों ऐसा कहा नहीं पता हमें। ये आप देख रहे हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन का अभी वो
मई अप्रैल में एग्जाम मेडिकल हुआ था 2022 वाली भर्ती का, उसमें आप देख रहे हैं कैटेगरी सी का पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट है इनका, ओवरवेट बाई 13 kg, ओवरवेट बाई 13 kg। दूसरे दिन इनका मेडिकल हुआ, 25 अप्रैल 2023 को इनका मेडिकल होता है, जिसमें उनको सिर्फ एक पॉइंट में इनको अनफिट किया गया, बाकी सब कुछ फिट था। ओवरवेट बाई 13 kg, 1 kg इनका दो एक दिन का इनको समय मिल गया, और दूसरे दिन फिर मेडिकल हुआ तो इनका वेट जो है वो 12 किलो ओवर वेट से इनको बाहर किया गया। उसमें इनको फिर 5 kg का छूट भी इनको दे दिया गया, लेकिन वो देने के बाद भी 7 kg ओवर वेट से ये बाहर हो गए कि मैंने एक दिन में 1 kg तो कम कर लिया था। आप 15 दिन पहले ही यदि आप कोशिश करते तो आप 15 kg कम कर लेते और ये पॉइंट ही नहीं बनता, ग्राउंड फिट हो जाते। तो ये देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है, विशेष ध्यान ड्राइवर वाले कैंडिडेट्स को रखना है, क्योंकि उनका फिजिकल हुए काफी समय हो गया और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने बंद कर रखी है। कुछ हमारे ड्राइवर वाले कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि एज के अकॉर्डिंग वो दूसरी भर्तियां नहीं देख सकते, तो वो पूरी तरीके से निष्क्रिय है, किसी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा। या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो वेट को देखिए अपना चार्ट के अकॉर्डिंग रखना है, चार्ट आपको चाहिए या कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं, इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको चार्ट मिल जाएगा, मेडिकल गाइडलाइन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा है। इस पर आप सिर्फ हाइट वेट चार्ट लिख कर आप मैसेज कर दें, कॉल करेंगे तो देखिए माफी मांगना पड़ेगा हमें कि कॉल इस पर नहीं हो पाएगा। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप यदि आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है, मेल फीमेल दोनों के लिए। उसके लिए ये हमारा कॉलिंग नंबर है, बुकिंग के लिए है ये। इस पर भी कुछ बेशर्म टाइप के लोग हैं जो कॉल करते हैं कि कट ऑफ कितना रहेगा फाइनल, बेशर्म इसलिए इस्तेमाल किया है कि देखिए फाइनल का कट ऑफ कितना रहेगा ये आपको हमसे ज्यादा पता है, कि अब किसी का 82 नंबर है और 45 वाले को बुला रखा है तो 42 वाला कंफर्म भर्ती है। कुछ हमारे ऐसे साथी हैं कि जो मेरा चेस्ट एक साइड दबा हुआ, देखिए ना तो इस नंबर पर कोई डॉक्टर आपको बात करने के लिए मिलेगा, ना उस व्हाट्सएप पर आपको डॉक्टर मिलेगा, डॉक्टर जो है वो आपको इस नंबर्स पर अवेलेबल नहीं होगा। आप आते हैं सेंटर पे, आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो चेक करते हैं, आपके जो भी पॉइंट होते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी, आर्मी एयरफोर्स नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी नेवी एयरफोर्स BSF CRPF CISF SSB स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSCGD का चेकअप वही से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।